भिवंडी कपड़ों के पावरलूम कारखाने में लगी भीषण आग। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र में स्थित भिवंडी शहर के खोका कंपाउंड नाम के परिसर में 13 नवंबर सुबह के 6:45 पर आग लग गई। ये आग भिवंडी में स्थित खोका कंपाउंड के पावर लूम कारखाने में आग लगी। ये आग धीरे धीरे लगते हुए इस आग ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके कारण इस आग से भयभीत होकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, परंतु वो लोग असफल रहे। चूंकि इस कारखाने में कपड़ा बुनाई किया जाता था, कपड़ा बनता था, इसलिए इस कारखाने में काफी संख्या में कपड़ों का भंडार रखा हुआ था, इसलिए इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, परंतु आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आसपास के लोगों में काफी भय था, लोगों ने काफी प्रयास किया आग बुझाने का, परंतु विफल रहे। अंत में स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस विभाग को सूचित किया, जिससे कुछ ही समय बाद दमकल विभाग के 3 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। काफी परिश्रम के बाद आग पर काबू पाया गया, परंतु आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी और कारणों से। सौभाग्य की बात तो यह है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। चूंकि कारखाने से सटा हुआ रिहायशी इलाका होने के कारण स्थिति अराजक हो गई। सावधानी के तौर पर स्थानीय लोगों को स्थानांतरित किया गया था। खैर, अब आग पर काबू पा लिया गया है और आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कैसे रहा ये आग लगने का दृश्य देखिए। ये थी हमारी इस खबर की जानकारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।